इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट, मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज किया है। क्या होता है इक्वेटोरियल पॉइंट? देखिए ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, माइनस क्यू और प्लस क्यू इसका चार्ज है और इसके बीच की दूरी कितनी है एल, और ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है, ये है इक्वेटोरियल लाइन। इसमें आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जहां पर पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने समझ लीजिए, पहले तो आपकी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, ये वाली साफ साफ दिख रही है, डिस्टेंस कितनी आएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, ये डिस्टेंस कितनी आएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो पहले पोटेंशियल मतलब जब कोई डिस्चार्ज यहां लेके हम आए होंगे, ये भाई साहब भी फोर्स लगा रहे होंगे, ये भाई साहब फोर्स लगा रहे होंगे, तो दोनों जब फोर्स लगाएंगे तो दोनों की वजह से जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा उसका उसको वर्क करना पड़ेगा या फाइंड करेंगे उसको तो मिलेगा उसको। पहले निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी ड्यू टू प्लस क्यू, प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं। हमने कहा प्लस की वजह से प्लस में और माइनस की वजह से माइनस, तो बी वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, पी अपान आर स्क्वायर, आर स्क्वायर होता है ना, आर स्क्वायर बोले तो बीपी स्क्वायर, बीपी स्क्वायर, और बीपी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी वन अपान फोर पाई, एक मिनट, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक मिनट एक डायपोल की वैल्यू निकालना है, ड्यू टू प्लस क्यू निकालना है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज लिखिए, बी वन इज इक्वल टू वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान ए बी बीपी, सॉरी बीपी क्यू अपान आर होता है ना, मैंने डाइपोल नहीं लिया, हम इंडिविजुअल चार्ज की वजह से निकालेंगे ना पहले, वैल्यू क्या आएगी वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान बीपी की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, ये तो हो गया ड्यू टू माइनस प्लस क्यू चार्ज। अब आप पोटेंशियल निकालिए माइनस क्यू की वजह से, अभी कहेंगे एंड दैट ऑफ ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, देखिए ध्यान से वी टू इज इक्वल टू ये माइनस में वैल्यू आएगी फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान एपी हो जाएगा, यानी माइनस वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान एपी बोले तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो जब नेट पोटेंशियल निकालेंगे, हमने कहा था पोटेंशियल की डायरेक्शन नहीं देखते, उसमें साइन देखते हैं प्लस होगा या माइनस होगा, तो नेट पोटेंशियल जब निकालेंगे नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी, बी इज इक्वल टू बी वन प्लस बी टू, जरा ध्यान से देखिए कि दोनों वैल्यू आपको सेम दिख रही है, दे आर इक्वल एंड हैविंग नेगेटिव साइन दैट इज बाय पॉजिटिव साइन, तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा जीरो, यानी इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, जरा ध्यान से समझिए एक चीज और, क्वेश्चन वैसे इस पर बनता है, आवे ना आवे अलग की बात है। देखो अभी हमने कहा अच्छा इस पॉइंट पे जीरो है, यानी इस लाइन पे कहीं भी पॉइंट हो सकता है, ये पॉइंट इस लाइन पे कहीं भी हो सकता है, अगर आप इस पर जीरो है अगर यहां पॉइंट लेंगे तो यहां पर क्या होगा, यहां पे जीरो होगा। तो अगर मैं कहूं कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच यानी पी से क्यू के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है जीरो है, यानी अगर मैं कहूं कि डेल्टा वी पी क्यू के बीच में कितना है तो आप कहेंगे भाई जीरो है, ठीक है। हमने कहा था ये बताओ कि एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, उसको भाई साहब यहां से यहां तक लेके आओ कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क का फॉर्मूला बताया आपने भी हमने चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस बताया हमने, और चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है तो वर्क कितना हो जाएगा। क्या सीखा आपने कि किसी डायपोल की वजह से किसी पॉइंट पर अगर इक्वेटोरियल लाइन पर कोई भी चार्ज मूव कराया जाए, कोई भी चार्ज मूव कराया जाए उसे कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब सबको तामझाम दे दें ये 5 कूलम माइनस 5 कूलम ये प्लस 5 कूलम और ये इक्वेटोरियल लाइन ये आर ड्रॉप 50 से 40 तक चार्ज प्लस 50 न्यूटन कूलम को लेके हम आ रहे हैं कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है वर्क करना पड़ेगा, कोई वर्क नहीं होगा। तो सुन रहे हैं।